छतरपुर कुलदीप जगीना हत्याकांड मामले में वीडियो सामने आया है। आपको बता दें भरतपुर कुलदीप जगीना हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो सामने आया है। दिन दहाड़े रोडवेज बस में कुलदीप की हत्या की गई थी। आपको बता दें एक वीडियो सामने आया है जहां पर दिन दहाड़े रोडवेज की बस में उसकी हत्या की गई थी। आपको बता दें बड़ी खबर है यहाँ कुलदीप जगीना के हत्याकांड से जुड़ी, जहां इस मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिन दहाड़े रोडवेज में बस में कुलदीप की हत्या की गई थी। ये सामने आ रही है बात, बड़ी खबर है ये, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे दिन दहाड़े हत्या की बात सामने आई है। रोडवेज की बस में हत्या हुई थी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि दिन दहाड़े उसकी हत्या हुई थी। कौन है ये जिसने हत्या की, किस तरह से हुई, क्या कितने लोग थे, ये जानना भी बाकी। आपको बता दें भरतपुर में कुलदीप जगीना हत्याकांड से जुड़ा मामला है जिसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो आपके सामने आ रहा है और दिन दहाड़े उसकी हत्या की गई थी। आप देख सकते हैं, आपको बता दें 12 जुलाई को हत्या हुई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अजय कुमार जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। अजय, बहुत ही एक गंभीर वीडियो है, दिन दहाड़े हत्या का वीडियो ये वायरल हो रहा है, क्या है जानकारी? बिल्कुल सामने देखिए, ये 12 जुलाई को भरतपुर जिले के जो आमोली टोल प्लाजा है वहां पर बस के अंदर एक गैंगस्टर था जिसको जिसका नाम था कुलदीप और उसका साथी था विजयपाल। उनको भरत जयपुर से जेल से भरतपुर के लिए पेशी पर लाया जा रहा था। उस दौरान वहां पर करीब 6 से 7 करीब बदमाश थे और टोल प्लाजा पर जैसे ही बस रुकी उस दौरान वहां पर यह बदमाश पहुंचे और उन्होंने वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए जो गैंगस्टर था उसमें कुलदीप उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसमें विजयपाल जो उसके साथ था उसको गोली लगी थी, वह घायल हो गया। इस घटना के बाद जैसे ही बदमाश वहां से फरार हुए उसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुलदीप जो व्यक्ति था, जो आरोपी था, उसकी मृत्यु हो गई थी और जो विजयपाल था वह घायल हो गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 2 अन्य आरोपी हैं उनको दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था। करीब 6 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं उनके लिए जिला पुलिस अधीक्षक मुद्रुन कछावा ने करीब 25,000 रुपए के इनाम घोषित किए थे। अब यह वीडियो जो ऑन स्पॉट मौके का जहां पर फायरिंग हुई, जिस समय वो बदमाश थे, किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, यह वीडियो अभी भरतपुर शहर की जो सोशल मीडिया है उस पर वायरल हो रहा है। जी अजय, एक बात बताइए, क्या ये जब इस पर हमला हुआ तो क्या जानकारी थी कि ये शायद वहां जा रहे हैं, तो पूरी जानकारी से, पूरी प्लानिंग से हुआ लगता है, जो पूरा मर्डर है बहुत प्लान लग रहा है? बिल्कुल साली, देखिए जिस तरह का ये मर्डर हुआ है और वही जो कुलदीप है जो इस हत्याकांड का मतलब इस फायरिंग में जो मारा गया, उसकी बहन ने और उसके परिवारजनों ने भी आरोप लगाया था। आज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वहां पर उन्होंने ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा था कि एक विशेष तरह के जो आईफोन है उनका यूज किया गया था और पूरी प्लानिंग की गई थी, उसके तहत मेरे भाई की हत्या की गई थी। तो उसकी बहन ने एक एसपी को ज्ञापन भी दिया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो जो आतंकवादी होती हैं उनकी जो धाराएं लगती हैं वही इन आरोपियों पर लगाया जाए। फिलहाल यह सीसीटीवी जो वायरल हो रहा है इसके बाद तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पुलिस की इसमें कहीं ना कहीं नाकामी रही है। बिल्कुल अजय, देख सकते हैं जो बाहर निकल रहे बस से, इनके हाथ में खुले में पिस्तौल है, इन्होंने हत्या की और ये आसानी से निकल गए, तो कहीं ना कहीं इनके जो चेहरे साफ नजर आ रहे हैं वीडियो में, अब तक कहां तक ये जो इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीश कहां तक पहुंची है? बिल्कुल साली, देखिए
अभी तक क्या है, पुलिस ने 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, बाकी अन्य फरार हुए हैं, उनके लिए पुलिस ने विशेष टीमें रवाना की हुई हैं। हालांकि जो वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसको लेकर पुलिस ने कहा है कि वह जगह जगह पर दबिश दे रही है। हालांकि ये वीडियो जो बिल्कुल खुले में जो सामने निकल कर आया, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बस रुकी है टोल प्लाजा पर, और बदमाश पहले से ही जो प्लानिंग की हुई थी वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने कुछ सवारियों को वहां से उतारा, और उसके बाद खुद बदमाश जो थे वो अंदर गए, और वहां पर जो आरोपी था जो पुलिस कस्टडी में था, जिसको जयपुर से भरतपुर लाया जा रहा था, कुलदीप को, उसको फायरिंग की थी। जी अजय, देखा जाए तो ये काफी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, जहां पर इन्हें डर नहीं है पुलिस का, व्यवस्था का, प्रशासन का, लेकिन ये वाकई बहुत गंभीर बात है, और कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि पुलिस की लापरवाही कहें इसे या प्रशासन का इसे फेलियर कहें, ये बहुत ही गंभीर विषय, और ये वीडियो साफ साफ बता रहा है कि किस तरह से खुले में अपराध हुआ है ये। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी अजय, जिन्होंने बताया कि किस तरह से खुले में टोल प्लाजा पे जैसे ही बस रुकी, वहीं पर गैंगस्टर्स ने इसके ऊपर हमला कर दिया।